आज हम बनाएंगे करवा चौथ स्पेशल मीठी मठरी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और इस करवा चौथ पे आप इनको पहले से बना करके रख दीजिए, ये महीनों तक ख़राब नहीं होती है और आपकी फैमिली को तो ये सभी को पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलके बनाते हैं इस मीठी मठरी को। मठरी बनाने के लिए मैंने ये 2 कप मैदा लिया है। मेजरिंग के लिए आप कोई भी कप या फिर कटोरी सेट कर लेना, इससे हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। मैंने इस मेजरिंग कप से 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो ऐसे कटोरी से माप के ले सकते हैं या फिर ऐसे चाय पीने वाले कप से माप के ले लीजिए, क्योंकि मेजरिंग कप तो सभी के घर में होता नहीं है, इसलिए आप किसी कटोरी या कप से माप के ले लीजिएगा। अब हम इसके अंदर 1/4 कप घी की डाल देंगे मोइन के लिए, जिससे हम दाल चावल खाते हैं ना, ये 7 से 8 चम्मच हैं, 1/4 कप में इतना ही आता है। अब हम इसको मिला लेते हैं मोइन को अच्छे से। आप इसके अंदर वनस्पति घी या फिर ऑयल भी डाल सकते हैं। आटे के अंदर मोइन को हम अच्छे से मिलाएंगे। मोइन हमारा अच्छे से लग चुका है आटे के अंदर, इसकी एक पहचान है। हम इस तरह से मुट्ठी बना के देखेंगे ना, तब अगर इस तरह से मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब है कि हमारा मोइन परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सख्त डो लगा लेते हैं। इन मठरियों को बनाने के लिए हमें पूरी जैसा सख्त आटा लगाना है ऐसे, इसलिए हम पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसके अंदर। इन मठरियों को स्पेशल करवा चौथ पे बनाया जाता है। हमारे इधर तो इन मठरियों को करवा चौथ पे या फिर गनगौर पे बनाते हैं। थोड़ा पानी और डाल लेते हैं, पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे पानी इसके अंदर हम। ये लीजिए हमारा आटा लग चुका है, ये देखिए इतना सख्त हमें इसको गूंदना है। अब हम इसको ढक्कन लगा करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लगा करके इसको मसल करके अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा सा और स्मूथ कर लेते हैं इससे। आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। नींबू की साइज़ की हम इसकी लोइयां बनाएंगे, ये देखिए ऐसे, इतनी बड़ी, बस इससे ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे हम इनको। इस तरह से एक साथ तोड़ के रख देते हैं इनको, ताकि बनाने में आसानी रहे। सारी लोइयों को मैंने काट लिया है। अब हम इनके पेड़े बना लेंगे ऐसे, इस तरह से पेड़े बना करके रख देंगे ऐसे। ये लीजिए सारी लोइयां मैंने बना ली है। अब हम इन मठरियों को बेल लेते हैं। एक लोई ले लेंगे और इसको इस तरह से बेल लेंगे। घी या फिर ऑयल लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मोयन अच्छा डाला है इसके अंदर, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। बस हम इनको इतना ही बड़ा बनाएंगे। इन मठरियों की थिकनेस हमें ऐसे रखनी है, ये देखिएगा। अब हम इनको फोक से ऐसे प्रिक कर देंगे, ताकि ये फूले नहीं। दोनों तरफ से प्रिक कर देंगे हम ऐसे, तरह से बना करके हम प्लेट में रखते जाएंगे ऐसे। ये देखिएगा इस तरह से बस इतना ही बड़ा बनाएंगे हम इन मठरियों को, और फोक से ऐसे प्रिक कर देंगे इनको। ये देखिए ऐसे बना लेंगे। चलिए तो अब हम इसी तरीके से सारी मठरी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी मठरी बना ली है, ये देखिए इतनी सारी बन चुकी हैं इस डो से मठरी, ये देखिएगा। चलिए तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा आटा डाल करके चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए बस हमें इतना ही ऑयल गर्म करना है, इससे ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे हम। अब हम ये एक एक करके ये मठरी डाल देते हैं इसके अंदर। ज़्यादा हीट वाला ऑयल गर्म नहीं करेंगे हम। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। अब ये जब कुछ टाइम के बाद में अपने आप तैर कर ऊपर आएंगी ना, तब हम इसको अलट पलट करेंगे। इनको हमें बिल्कुल धीमी आँच में तलना है। ये देखिए सभी ऊपर आ गई हैं तैर करके। अब हम इनको पलट लेते हैं ऐसे। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मठरी तो हमारी फ्राई हो ही रही हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन मठरियों को हम करवा चौथ पर स्पेशली बनाते हैं। हमारे इधर तो करवा चौथ पे और गनगौर पे इन मठरियों को बनाया जाता है। अगर आपके यहाँ भी इन मीठी मठरियों को बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 7 से 8 मिनट लगते हैं इनको फ्राई करने में। धीमी आँच में ही हम इनको फ्राई करेंगे। अगर हम इनको तेज़ आँच पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। त्योहारों पे तो हम इनको बनाते ही हैं। अगर आप ऐसे भी इनको बना के रखेंगे ना तो बिल्कुल बिस्किट की तरह लगेंगी ये, मुंह में जाते ही घुल जाएंगी, इतनी सॉफ्ट बनती हैं ये। ये लीजिए इनका गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं बाहर। बस हमें इनको इतना ही फ्राई करना है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए अब इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। मठरी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। ये 1 कप मैंने चीनी ली है, 1 कप मैंने चीनी ली है, 1/2 कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। 2 कटोरी हमने मैदा लिया है तो 1 कटोरी हम चीनी लेंगे।
और चीनी का आधा हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अब हम इस चाशनी को बना लेते हैं। 4 से 5 मिनट लगेंगे इस चाशनी को बनने के लिए। 3 तार की चाशनी बनाएंगे हम इसके अंदर। चीनी मेल्ट होने के बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम 3 से 4 मिनट इसको और पकने देते हैं चाशनी को। ये देखिए हमारी चाशनी बन चुकी है। ये 3 तार की चाशनी बन चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और ये जो हमने मठरी बना करके रखी थी ना, इनको डाल देते हैं अब एक एक करके। इस इन मठरी को हम चाशनी के अंदर इस तरीके से कोट करते जाते हैं और एक प्लेट में निकाल लेंगे इनको ऐसे। जब ये ठंडा होगी ना तो चीनी की कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी करवा चौथ स्पेशल मठरी बन करके तैयार है। तो आप इस तरीके से इस बार करवा चौथ पे इस मठरी को बनाइए। ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। करवा चौथ के दिन तो हम वैसे भी बना नहीं सकते इनको, तो आप इनको पहले बना करके रख दीजिए। आपकी फैमिली को सभी को पसंद आएगी ये। इन मठरियों को तो आप कभी भी खा सकते हैं। जब हल्की सी भूख हो तब भी आप इन मठरियों को खा सकते हैं। और इन्हें बनाना तो बहुत ही आसान है। और इस तरह से चाशनी बना करके हम इनको मीठी मठरी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है ये। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिएगा ये अंदर तक अच्छे से पकी हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं ये। मुंह में जाते ही घुल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरे मीठी मठरी बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।